अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिर कौन है गाजी अब्बास? ये किसके बेटे हैं और ये इस्लाम में क्या अहमियत रखते हैं? आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रही हूँ। दोस्तों, गाजी अब्बास हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के बहुत बहादुर बेटे, उनके बारे में मक्के में मशहूर था कि वे दूसरे अली हैं और मैदानी जंग में उनका सामना करना किसी भी जंगित के नामुमकिन था। दोस्तों, गाजी अब्बास की पैदाइश सन 627 ईस्वी मक्के में हुई। गाजी अब्बास ने जंग लड़ना हज़रत अली से सीखा था। दोस्तों, जंग के मैदान में वे ऐसे लड़ते थे कि हज़रत अली की तरह नज़र आते थे। दोस्तों, जो किरदार हज़रत अली पूरी ज़िंदगी में था, ठीक वैसे ही किरदार गाजी अब्बास का इमाम हुसैन ज़िंदगी में था। और गाजी अब्बास ने फरमाया, मैंने इमाम हुसैन का साथ निभाया। दोस्तों, गाजी अब्बास अपनी पहली जंग महज 12 साल की उम्र में लड़ी थी। दोस्तों, गाजी अब्बास इमाम हुसैन के कमांडर थे। 680 ईस्वी गाजी अब्बास ने कर्बला के मैदान में शहादत नसीब करी।